स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है किया सोनेट का सेकंड टॉप वेरिएंट, वो भी डीजल के अंदर। इस वेरिएंट की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी ना, जब से मैंने एसटी के ऑप्शनल और एसटी ऑप्शनल जो अपडेट हो क्या है उसकी वीडियो डाली थी, उसके बाद से इस वेरिएंट की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई ये वाला वेरिएंट दिखाओ। तो फाइनली आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डीजल के सेकेंड टॉप वेरियंट के बारे में। एसटीएक्स प्लस वाला वेरियंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, क्या कुछ ऑफर करता है और क्या कुछ आपको अलग मिलेगा अगर आप इसे एसटीएक्स वाले वेरिएंट से जो है कंपेयर करोगे, तो सारी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ईजिली देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी चाबी दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, और फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि क्या कुछ बदला है या बदला भी है कि नहीं है इस अपडेट के बाद। तो आइए जल्दी से जो है मैं आपको इस वेरिएंट की चाबी दिखा देता हूँ। चाबी आप देख लो, चाबी बिल्कुल सेम मिलने वाली है। इधर आप देखोगे तो 4 बटन्स आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक करने के लिए, और इस वाले बटन से आप जो है कार का इंजन स्टार्ट कर सकते हो, और लास्ट वाले बटन की बात करोगे तो इससे आपको जो है बूट खोलने का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इधर देखोगे किया का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और जो अपनी दूसरी चाबी है वो भी बिल्कुल डिट्टो आपको सेम यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी तो चाबी में इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ज़रूर से आपको देखने को मिल जाते हैं। चाबी बिल्कुल सेम है जो पहले आती थी, तो अगर आप सोच रहे हो कि चाबी में कुछ बदला होगा तो चाबी में कुछ भी जो है नहीं बदला है। अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है डीजल का जो है सेकंड टॉप वेरिएंट है एचटीएक्स प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। ये वाला वेरिएंट अगर आप आज के डेट में परचेज करोगे तो कॉस्ट करने वाला है 13,10,000 रुपये। ये इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से लेकर इंटीरियर तक क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप इस कलर के बारे में बताओ, सोनेट के ऊपर कैसा लग रहा है, और थोड़ी सी खड़ी भी मैंने कुछ इस तरीके से कर रखी है क्योंकि पूरा स्टॉक यार्ड ही भर चुका है किया की गाड़ियों से, इस वजह से। बाकी क्या कुछ मिलने वाला है आइए डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो किया की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और जो अपनी फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको सेम टॉप एंड वेरियंट वाली यहाँ पे मिलने वाली है, पियानो ब्लैक के अंदर दी गई है। बट बात करोगे फ्रंट कैमरे वगैरह की तो वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है नीचे वाला पार्ट आपको जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलने वाला है। उसके अलावा फ्रंट में एक चीज़ ज़रूर है, इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा यहाँ पे दे रखा है, और एक आप यहाँ पे देख लो, और लास्ट सेंसर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। फ्रंट में टोटल 4 सेंसर आपको मिलते हैं। उसके अलावा कभी आपकी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट में स्किड प्लेट का ऑप्शन दे रखा है, बट स्क्रैचेस वगैरह इजीली आ जाएंगे। ये अपनी जो है ग्लॉसी फिनिश के अंदर ही है, ऐसा कुछ अलग मटेरियल वगैरह नहीं है, सेम जो आपका बम्पर है वही सेम मटेरियल ये आपको दे रखा है। उसके अलावा रेडिएटर वाली आप ग्रिल देख सकते हो, और पता लगाना चाहते हो कि ये डीजल है कि नहीं है वो आप इसका जो है इंटरकूलर देख के भी पता जो है लगा सकते हो। अब आ जाएं इस साइड, तो सबसे पहले तो आप देखो इस वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको जो है सेम टॉप एंड वेरिएंट वाली जो है फॉग लैंप देखने को मिल जाती है। ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा। लो बीम हाई बीम अलग अलग आपको देखने को मिलती है, पूरा एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर सेटअप है, साथ में ऑटोमेटिक हेडलाइट का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे आपको DRLs मिलेंगे बट अभी वर्किंग नहीं है क्योंकि मैंने जो है फिलहाल इसके इंडिकेटर्स ऑन कर रखे हैं। बट अगर आप इंडिकेटर्स बंद कर दोगे तो ये कंप्लीट जो है DRL का आपको सेटअप मिलता है। तो फ्रंट से अगर आप बात करोगे STX प्लस वाले वेरिएंट के बारे में तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलने वाली हैं। उसके अलावा बोनेट पे आपको डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं, इस साइड भी आपको दे रखा है। और इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 2 वाइपर देखने को मिल जाएंगे। और रही बात अपने ORVMs की, तो ये आपको जो है बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरी कार पे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस सेम मिलने वाली हैं, फ़र्क आएगा एक ये चीज़ आप देखो डोर के नीचे, ये जो आप इंसर्ट देख रहे हो सेम मैंने जैसे आपको फ्रंट बम्पर पे दिखाया ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा क्लैडिंग वगैरह तो आती है। अब बात करें इस वेरिएंट के अंदर व्हील्स की, तो इस वाले वेरिएंट से आपको जो है प्रॉपर अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट अगर आप सेम टाइम पे STX वेरिएंट वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे जो है आपको हाइपर अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ही मिलता है। तो एक एडवांटेज तो ये है, अगर आप अपने प्लस वाले वेरिएंट के ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा। किया का लोगो आपको दे रखा है, आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एक बार पीछे और चेक कर लेते हैं, पीछे भी आप देख लो, पीछे भी आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ये भी बहुत सही चीज़ है क्योंकि आई थिंक मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। STX वेरिएंट में शायद पेट्रोल की अगर बात करोगे तो शायद नहीं आते हैं चारों टायरों में डिस्क ब्रेक, बट इस वाले में आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। अब रही बात अपने टायर वगैरह की, तो यहाँ पर आप देखो MRF के जो है आपको यहाँ पर टायर मिलने वाले हैं, वंडर इको ट्रेड वाले,
प्रोफाइल वगैरह देखें तो यहाँ पे 215, 60, 16, 16 इंचेस के रिम का साइज आपको देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज रही बात सस्पेंशन वगैरह की, तो आगे आपको मैक पर्सन मिलते हैं, पीछे आपको कपर टॉर्जन एक्सेल बीम के साथ जो है देखने के मिलने वाले हैं। बाकी इधर देखोगे तो यहाँ पे बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रुके सेंसर जो है इस साइड नहीं आता है, सिर्फ आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जरूर से की गई है। उसके अलावा लोअर गार्निश देख लो, कोई भी लोअर गार्निश का ऑप्शन नहीं मिलता है। किया का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और जो अपना बी पिलर है वो आपको प्रॉपर मैट फिनिश के अंदर मिलेगा। रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, डुअल टोन रूफ रेल्स हैं, डिजाइन वाइज आप इन्हें बोल सकते हो, बट अगर आप एक्टिव रूफ रेल्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। और अंदर से दिखाऊँ एक और चीज़, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको जो है सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। ऊपर से भी आप देख लो ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आने वाला है। बाकी यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर डीजल, और साथ में एक मिनट को आपको खोल के दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर डीजल, और साथ में अब जो है आपको इसमें एड ब्लू फिल करने का ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि बहुत सही चीज़ें पास पास हैं, आप इजीली आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, कई गाड़ियों में बहुत दिक्कत आती है कि हर 2000-3000 किलोमीटर में आपको फिल करना पड़ेगा। ये लगा के चलो 1500 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है डीजल, वही जो सेल्टोस वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये लगा के चलो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार किलोमीटर आपका एक टैंक जो है ईजिली निकाल देगा। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा आप एक बार इस साइड से कंप्लीट कार देख लो, पीछे से कंप्लीट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है लुक मिलने वाला है। ऊपर बात करोगे यहाँ पे आपको जो है इसका शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाएगा, हाई माउंट यहाँ पे जो है एलईडी स्टॉप लैंप दे रखी है, वॉशर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आप देखो यहाँ पे स्पेशल एक किया की बैजिंग भी मिल रही है, आई थिंक ये शोरूम वालों ने लगाई है, कंपनी से लग के आ रही है, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। बाकी आप बता सकते हो कि ये कंपनी से आ रहा है कि अब नया चेंज हुआ है। बाकी किया कनेक्ट की बैजिंग जरूर से आपको देखने को मिल जाती है, ये तो बहुत टाइम से आ रही है। बाकी किया की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, सोनेट की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है, फुल कनेक्टेड आपको यहाँ पे जो है टेल लाइट्स मिलने वाली हैं, एक बार आप दूर से भी लुक चेकआउट कर सकते हो। बाकी इधर बात करोगे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रेक लाइट दे रखी है, और रिवर्स लाइट वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे नीचे मिलती है। जब से सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर चेंज होकर आई है, जब से आपको कुछ इस तरीके का लुक जो है मिल रहा है सभी वेरिएंट के अंदर, सारे वेरिएंट के अंदर लाइट वगैरह तो यहाँ पे आती है। बाकी इस वेरिएंट के अंदर एक चीज़ जरूर है कि अगर आप सेकंड टॉप पे भी जा रहे हो डीजल के अंदर, यहाँ पे आपको चार सेंसर फिर भी नहीं मिलते हैं, बट अगर आप सेम टाइम पे GTX वगैरह के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे चार सेंसर जरूर से जो है देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ देख लो एक बार, एक सेंसर यहाँ पे दे रखा है, दूसरा सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, सेम स्किड प्लेट वगैरह है। और अगर आपने एग्जॉस्ट पाइप वगैरह की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे मिलता है, वेल्डेड हुक वगैरह दे रखा है कि नहीं वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो नीचे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ना ही आपको ऊपर यहाँ पे दे रखा है, तो थोड़ी सी कमी यहाँ पे भी आपको लगेगी। उसके अलावा जो DF फिल करने का कंटेनर है या टैंक आप बोलो, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब खोल लेते हैं एक बार जल्दी से इसका बूट। यहाँ पे मिलता है आपको इसका बटन, इसको प्रेस करके आप जो है इसका बूट खोल सकते हो, और ग्रैब हैंडल वगैरह जो है आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको जो है फिजिकल की लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ऐसा मिलता है आपको कुछ इसका बूट। पार्सल ट्रे जो है आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर भी जो है नहीं मिलती है, जो कि थोड़ी सी एक और कमी वाली चीज़ है, जबकि अगर आप सेम टाइम पे STX वगैरह के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे आपको पार्सल ट्रे जरूर से मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन वाली जो है सीट दे रखी है, जो कि अच्छी चीज़ है, आप बूट बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप देखो, अगर आप इसे नॉर्मल STX वाले वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, प्लस वाले के अंदर आपको सबवूफर का ऑप्शन दे रखा है, बोस का म्यूजिक सिस्टम आएगा। एक बार मैं आपको एक बार चेक कराऊंगा कि कितने स्पीकर्स वगैरह जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख लो लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जो है सेफ्टी रिफ्लेक्टर दे रखा है, फर्स्ट एड किट आपको देखने को मिल जाती है, और स्पेयर टायर वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो आप यहाँ पे देख लो, टूल किट वगैरह आपको जो है यहाँ पे मिलती है। बाकी एक चीज़ और सेक्शन और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो 195, 65, R15 एक एक साइज जो है आपको छोटा मिलने वाला है, और गुडियर की तरफ से जो है आपको ये स्पेयर टायर मिलेगा इसके अंदर। बाकी पार्सल ट्रे अगर आप लेना चाहते हो तो एसेसरीज में आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जरूर से जो है ले सकते हो। और जो बूट स्पेस वगैरह है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, डेफिनेटली से जो है देख लेना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आ जाते हैं इस साइड, अगर आप अब तक पूछोगे कि कुछ फ़र्क है कि नहीं है, तो डेफिनेटली बता देता हूँ, एक भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। पहले भी ये जो वेरिएंट आता था बिल्कुल सेम सारे फीचर्स के साथ ही आता था, बट अब भी अगर आप बात करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखना चाह रहे हो, अगर आप इस वेरिएंट के ऊपर जा रहे हो, तो डेफिनेटली जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अब चल लेते हैं अंदर की तरफ। एक चीज़ और, रिक्वेस्ट सेंसर आप देख लो, यहाँ पे आपको ज़रूर से देखने को मिल जाता है। अब चल लेते हैं अंदर। अब जैसे ही आप अंदर देखोगे तो अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इंटीरियर ही देख लो, इंटीरियर में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस वाले वेरिएंट के अंदर ही सिर्फ आपको कुछ इस तरीके का इंटीरियर मिलेगा, जबकि अगर आप GTX वगैरह पर भी जाओगे वहाँ पर ज़रूर है कि इंटीरियर में फ़र्क है, बट ये वाला आपको वहाँ पर जो है नहीं मिलेगा। टैन कलर के लेदर का यहाँ पर जो है यूज़ दे रखा है, डुअल स्टिचिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, और ये देखो यहाँ पर बोस की ब्रांडिंग आपको दे रखी है,
कंप्यूटर आपको यहाँ पर मिलते हैं, साथ में क्रोम का इंसर्ट दे रखा है, ये भी थोड़ी सी अलग चीज़ है क्योंकि एसटीएक्स वेरिएंट की अगर आप बात करोगे वहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक सिस्टम के बारे में, एक बार पीछे और देख लेता हूँ ये पीछे है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस वाले वेरियंट के अंदर अगर आप म्यूज़िक सिस्टम की बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोस की तरफ से आता है, बट अगर आप नंबर्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 8 इंचीज का जो है सबवूफर देखने को मिलेगा। और ब्रांडिंग मैंने आपको दिखाई दी, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन जो है आपको ड्राइवर वाली दे रखी है, ओआरवीएम के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत सही चीज़ है। एक बार में अगर आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि सोनेट है, बट इंटीरियर अल्टीमेट आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। बाकी 2 लीवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर आप हाइट चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एयरबैग की बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है इस वाले वेरिएंट के अंदर, आपको पता ही होगा वैसे तो बेस वेरिएंट से आ रहे हैं बट फिर भी बता देता हूँ, 6 एयरबैग जो है आपको सेफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी तो कुछ रहा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लो, अगर आप फ्यूल कैप खोलना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, और अगर आप बोनट खोलना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्यूजोबिलिटी पोर्ट वगैरह दे रखा है, 3 पैडल्स हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये अपना जो है मैनुअल वाला वेरिएंट है। अब कर लेते हैं डोर को क्लोज और करते हैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट, और बोनट खुल चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी चेक करा था इस वजह से। तो स्टीयरिंग को कर लेते हैं नॉर्मल और इसको डालते हैं ऑटो पे। अब ठीक है, अब एक एक करके देखो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है। ऊपर से स्टार्ट करें, यहाँ पे आप देखो टिकट होल्डर का ऑप्शन देखने का मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, और ये चीज़ मैंने आपको दिखाई दी थी कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है। इधर देखोगे सनग्लास होल्डर आपको दे रखा है, अंदर पैडिंग वगैरह मिलेगी तो आपके महंगे वाले जो ग्लासेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। इधर जो है आपका हैलोजन बेस लाइट मिल जाती है, सनरूफ का बटन दे रखा है, और दोनों जलाना चाहते हो सेम टाइम पे तो वो भी ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगा। बाकी इधर देख लो इस वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको जो है ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, SOS का बटन है टो करने का, और किया कनेक्ट वाला जो है बटन आपको मिलता है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर जरूर से देखने को मिल जाएगा बट लाइट जो है यहाँ पे भी नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के साथ दे रखा है, बहुत सही चीज़ है, नहीं तो कई ब्रांड जो है इसमें कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं देखो स्टीयरिंग व्हील की, स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो अगर आप GT लाइन वगैरह पर भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, लेदर ऐप दे रखा है, यहाँ पे सोनेट की बेजिंग आ जाएगी। सिर्फ फर्क इतना आएगा अगर आप GT लाइन वगैरह पर जाओगे, इसका जो टॉप एंड वेरियंट है वहाँ पे जो है आपको GT लाइन की बेजिंग यहाँ पे मिलती है, क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और साथ में उस वाले वेरियंट के अंदर आपको एडास वगैरह वाले जो फीचर होते हैं वो भी मिलते हैं। यहाँ पे आप देख लो अपने इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर जो है किया की बेजिंग दे रखी है, एयरबैग की बेजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा है। वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इधर बात करोगे तो यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन आपको जरूर से मिलता है, और जो MID मिलने वाली है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलेगी। रिमूव करने की कोशिश करें तो आई थिंक मुझे लगता नहीं अब आपको दिख जाएगा, ये चीज़ आप देख लो, थोड़ा सा इसको बाद में वापस लगा देंगे। स्पीडोमीटर की बात करोगे तो 220 तक की मार्किंग भी रखी है, पूरी जो है ये कंप्लीट एक स्क्रीन है 10 इंचीज वाली आपको मिलेगी, LCD स्क्रीन है, कलर्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है, और साथ में अगर आप इसमें मोड वगैरह चेंज करते हो तो उसके साथ भी कलर चेंज हो जाते हैं, बट एक बार इसमें देख लेंगे कि इसमें मोड वगैरह आता है कि नहीं आता। बाकी नीचे आप देख लो यहाँ पे गाड़ी में तेल कितना है वो दिखा देता है, और गाड़ी का बोनट खुल रखा है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, बट अगर आप बोनट बंद कर दोगे तो टैकोमीटर रीडिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक चीज और चेक कर लेते हैं, कैमरे वगैरह आते ही नहीं है, बाकी यहाँ पे सेंस रिफिलिंग वगैरह और गाड़ी रियल में एवरेज कितना दे रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अब जो है थोड़ा सा टॉगल करके देख लेते हैं, वैसे तो टिपिकल ह्यूंडई वाले फीचर मिलने वाले हैं, आप देख लो यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर वगैरह आपको मिल जाता है। बाकी और टॉगल करें तो यहाँ पे आपको कंपास मिल जाएगा, और टॉगल करोगे तो यूरिया का लेवल दिखा देता है प्रॉपर, TPMS वगैरह भी मिल जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा देता हूँ, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो यूरिया का लेवल और TPMS जो है आपको यहाँ पे मिलता है, बट अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि गाड़ी जो है खड़ी हुई है। उसके अलावा सेंस रिफ्यूलिंग है, और लास्ट रीसेट के बाद आपने गाड़ी कितनी चलाई है वो आपको मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, डिजिटल स्पीड वगैरह, तो ये बेसिक से कुछ सारी चीज़ें मिलती हैं। और रही बात मोड की तो वो मोड यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, इसके टॉप एंड में आता है, यहाँ पे बटन दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। वहाँ पे आप मोड चेंज करोगे तो जो डिस्प्ले का लुक वगैरह है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसको देखोगे कंबाइंड यूनिट को तो बिल्कुल सेम मिलने वाली है, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे लेटर कर देते हैं थोड़ा सा, और इधर देखो कुछ आपको जो है शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम है बंद करना चाहते हो उसको ऑप्शन, नेविगेशन, मैप वगैरह, मीडिया, रेडियो वगैरह के ऑप्शन, सेटअप वगैरह का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी स्लाइड करोगे तो UI वगैरह देख लो, कई बार इसके बारे में बात कर रखी है। एक बार कैमरा चेक करा देता हूँ,
ये आप देखो कैमरे की क्वालिटी और साथ में आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह जो है इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। नहीं तो कई ब्रांड्स हैं, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि बहुत ज्यादा जो है कॉस्ट कटिंग करते हैं, बट किया स्पेशली इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और इनबिल्ट मैप देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, इस तरीके का कंप्लीट मैप मिलेगा। और इसको आप अगर स्प्लिट भी करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाता है। ये मैंने जब सेल्टॉस आई थी उसके अंदर भी ये सेम चीज जो है पता रखी है। बाकी होम पे आए डायरेक्ट, होम पे चलें तो यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वैलेट मोड, क्वाइट मोड वगैरह है, उसके अलावा किया कनेक्ट और स्मूथनेस और जो प्रीमियमनेस है डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है फील होने वाली है। ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और नीचे आओगे तो वेंटिलेट सीट्स के कंट्रोल्स दे रखे हैं। ड्राइवर वाली जो है मैं ऑन कर लेता हूँ, ये बहुत सही चीज़ है, गर्मियों के टाइम पर बहुत हेल्प करता है ये वाला फीचर। और देखो एकदम मस्त हवा नीचे से आ रही है। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, एक जो है आपको सी टैप पोर्ट मिलने वाला है और दूसरा देखोगे तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक 12V का आपको मिलेगा। USB का पोर्ट है, चाबी मैंने यहाँ पे रख रखी है। और इधर बात करोगे तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस लिए अगर डीजल में ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आपको टॉर्क कन्वर्टर वाला देखने को मिलेगा, बट अगर आप सेम टाइम पे पेट्रोल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टर्बो इंजन के साथ 1.0 के साथ DCT का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है आप जा सकते हो। बाकी सीट्स वगैरह देख लो, मतलब इतनी प्रीमियम लग रही है ना, डेफिनेटली देखने में ही स्वाद आ रहा है इसको। बाकी तो बैठने के बाद तो आप बताना आपको कैसा लगा। उसके अलावा एक बार ग्लो बॉक्स देख लेते हैं, इस साइज का आपको जो यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलता है। इसको कर देते हैं बंद और बाकी जो हमने ये पॉलिथीन निकाली थी ना इसको लगा देते हैं अपनी जगह पे भाई, ताकि आप कमेंट वगैरह में ना बोलो मैंने ये वापस लगा दिए। एक वीडियो में मुझे जो है बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने ये जो है क्यों हटा दी पॉलिथीन कस्टमर की गाड़ी की, तो इसलिए मैं जो है वापस इसको लगा देता हूँ। और अब चल लेते हैं जल्दी से पीछे, पीछे देख लेते हैं पीछे आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो एक बार यहाँ पे देख लो, इंजन स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो इंजन स्टार्ट, और अगर आप फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑफ करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। अब आ जाते हैं एक बार पीछे। सो ये वाली जो सीट है ना वो मैंने कंप्लीट पीछे कर रखी है। बाकी एक बार में अगर आप बैठोगे प्रॉपर, अगर इस वाली सीट की बात करोगे, डेफिनेटली मैंने सोनेट के ऑलमोस्ट सारे ही वेरिएंट देख रखे हैं, GTX वगैरह जो भी हो गया इसका टॉप एंड वगैरह, बट बैठने के बाद जो इसमें फील आ रही है ना डेफिनेटली बहुत अल्टीमेट वाली फील है इस वाली सीट्स के अंदर। बाकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया चूज कराया किया ना इस बार। और इधर देखोगे तो मैनुअल ब्रांड वगैरह आपको जरूर से देखेंगे मिल जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बोस की ब्रांडिंग यहाँ पे भी मिल जाती है, पावर विंडो है, बट ये अगर आप देखोगे तो नॉर्मल आपको मिलती है। और एक चीज़ और, एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। स्पेस के बारे में कई बार मैंने जो है इसके बारे में तारीफ जो है कर रखी है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। और ये देखो मोबाइल होल्डर जो है स्पेशली यहाँ पे दे रखा है। बाकी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे तो स्पेशली ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगी कि प्लस वाले वेरिएंट के अंदर किया जो है ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। बाकी इधर देखोगे दो AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है एयर प्योरीफायर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, बट हम जो है इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो ये जो है बहुत ज्यादा आवाज करेगा। नीचे देख लो यहाँ पे आपको जो है मोबाइल होल्डर मिल जाता है, दो जो है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं। और जो फ्लोर हम पे ना वो इतना ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और एक चीज और यहाँ पे देखो, आर्मरेस्ट पे आपको जो है 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एक बार फील आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लग रही है, मुझे तो पर्सनली बहुत सही चीज लग रही है। थोड़ा सा जो कैमरे के थ्रू जो है कलर में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, बट अगर आप रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज जो है पसंद आ जाएगी। यहाँ पे आइसोवेक सीट एंकर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, सेंटर में एक जो है आपको लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन बेस्ड ही दे रखी है। बाकी तो यही सारी चीज आपको मिलती है पीछे अगर आप बात करोगे। और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि सीट में रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो कि नहीं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। बाकी आप बताओ पीछे आपको ये सारी चीजें जो है मिल रही हैं वो आपको कैसी लगी। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि इंजन में आपको क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। खोलते हैं बोनट को, वैसे तो मैंने खोल रखा है बट फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। और अब बात करते हैं देखो इंजन के बारे में, वैसे तो कुछ नया है नहीं बट फिर भी हो सकता है कोई भाई पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उस भाई के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन वगैरह आपको नहीं मिलती है। एक्सटर्नल बैटरी आप देख सकते हो, CIDI 16 वॉल्ट की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वॉशर फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है और कूलेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और देखो सोनेट के हिसाब से बहुत ही बड़ा इंजन है मेरे हिसाब से तो अगर आप बात करोगे, क्योंकि सोनेट के अंदर जो नॉर्मल इंजन आता है वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड आपको मिलता है, बट सेम टाइम पे अगर आप डीजल की बात करोगे तो देखो बहुत ही कम स्पेस है, पूरा फुल पैक है, टर्बो वगैरह यहाँ पे लगा रखा है। अब बात कर लेते हैं देखो इंजन के बारे में, इंजन वही है जो Hyundai ऑफर करता है अपने वेन्यू और क्रेटा, एल्कजार वगैरह के अंदर डीजल की अगर आप स्पेशली बात करोगे।
यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1.5 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 115 bhp की, और टॉर्क की बात करोगे तो 250 Nm का यहाँ पे जो है आपको टॉर्क देखने को मिलेगा इस बॉडी साइज में। और सेम टाइम पे अगर आप पेट्रोल में जा रहे हो ना, इसी बॉडी साइज में आपको मिलता है सिर्फ आई थिंक 80 bhp की पावर और 113 Nm का लगभग टॉर्क मिलता है। तो आप कंपेयर कर लेना कि पावर डीजल में कितनी ज़्यादा आपको मिल रही है इस बॉडी साइज के हिसाब से, और साथ में एवरेज भी आपको इसके अंदर बढ़िया मिल जाएगा। डीजल इंजन है, अगर आप नॉर्मली 80-100 के आसपास चलाओगे तो ये पकड़ के चलो आप प्यार से 21-22 तक का एवरेज आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो डेफिनेटली तो भी इसके ऊपर जा सकते हो। बाकी वेरियंट बहुत बढ़िया है, अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है 13,10,000 का एक शोरूम जो मैंने आपको बताया, ऑन रोड पर आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा आपकी सिटी में हो सकता है अलग हो, नहीं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो बताओ आपको कैसा लगा सोनेट का STX प्लस वाला वेरिएंट डीजल के अंदर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अपनी राय। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, कर देते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।